नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप डीडी फ्री डिश के उपभोक्ता हो तो आपके लिए ये खबर बहुत ही अच्छी है और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे 5 चैनल में फेरबदल किया गया है। कौन कौन से वो चैनल हैं और कौन से चैनल नंबर पर हमें वो देखने को मिलेंगे, ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं महाराज का वीडियो। देखिए दोस्तों, डीडी फ्री डिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि उसके ऊपर दिन प्रतिदिन जो सब्सक्राइबर हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। और जैसे हमारा ट्राई का नियम लागू हुआ, उसके बाद में तो ये मान लीजिए डीडी फ्री डिश की जो सब्सक्राइबर हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा अभी 40 ई ऑक्शन हमारा हुआ था, उसके अंदर हमारे 3 नए चैनल हमें डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले। वो 3 चैनल मैं आपको बता देता हूँ। चैनल नंबर 1 अंदर 32 हमारा वो है संस्कार चैनल। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे एम्पैक्ट 2 सेटअप बॉक्स के लिए 40 ई ऑक्शन में हमारे बदलाव किया गया था, जो कि हमारा एज इट इज ही रह गया था। यानी कि पहले भी हमारा संस्कार चैनल चल रहा था, वो का वो चैनल हमारा एज इट इज ही हमारा रख दिया गया। और जो दूसरा चैनल है वो हमें 133 चैनल नंबर पे देखने को मिल रहा है, और वो है आस्था चैनल। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारा 40 ऑक्शन के नंबर हमारे शामिल हुआ था, जो कि हमारा पुराना चल रहा था, एज इट इज ही हमारा ये रख दिया गया। और जो तीसरा चैनल हमारा है 134 चैनल नंबर है, वैदिक चैनल, जिसकी जगह हमें एक नया चैनल आरटी चैनल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो आरटी चैनल हमें देखने को मिल रहा है उसके अंदर हमें एक भक्ति चैनल दिखाया जा रहा है, साधना टीवी। जी हाँ दोस्तों, जो वैदिक चैनल की जगह हमारे को जो चैनल हमें दिखाना था आरटी चैनल, वो ना दिखाकर हमें उसकी जगह एक साधना चैनल हमें दिखाया जा रहा है, और साधना टीवी हमें उसके अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि एक भक्ति चैनल है, जो कि हमारे 40 ऑप्शंस में हमारे एम्पैक्ट 2 सेटअप बॉक्स के लिए शामिल हुआ था। मैं आपको बता दूं, जो आरटी टीवी है उसका रजिस्ट्रेशन हमारा आरटी के नाम से ही रहेगा, लेकिन हमारे को जो डिस्प्ले होगा वो साधना टीवी हमें दिखाया जाएगा। और जो फोर्थ जो बदलाव हमारा चैनल के अंदर किया गया है, वो हमारा चैनल नंबर 131 में है, और वो चैनल हमारा मूवी हाउस। जी हाँ दोस्तों, मूवी हाउस की जगह अब हमें नया चैनल हमें देखने को मिल रहा है, बिफोर यू कड़क। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप इसके नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि कड़क कितना कड़क चैनल है ये हमारा, और उसके ऊपर हमारे हिंदी मूवीज हमें देखने को मिलेंगी, बॉलीवुड प्लस साउथ मूवीज हमें देखने को मिलेगी, नए पुरानी सभी प्रकार की मूवीज हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। वाकई में ये बहुत ही कड़क चैनल है और बहुत ही अट्रैक्टिव मूवीज के ऊपर हमारी डिस्प्ले की जाती है। और अब बात करते हैं हम हमारे 5th चैनल की, जो हमारे चैनल नंबर 130 के अंदर हमारे डिस्प्ले किया जा रहा है, वंदे गुज्जर। जी हाँ दोस्तों, ये कभी हमें ब्लू लाइन के अंदर दिखाया देता है और कभी कभी हमें इसके ऊपर पिक्चर्स में हमें डिस्प्ले होती है, जो कि अभी हमारा ट्रायल बेसिस पे चल रहा है। चैनल नंबर मैं आपको फिर बता देता हूँ, चैनल नंबर है 130 वंदे गुज्जर। जी हाँ दोस्तों, कभी हमें ब्लू लाइन दिखाता है, कभी हमारे इसके ऊपर डिस्प्ले करता है। तो दोस्तों, यही लीक्स निकल के आया था डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म की तरफ से, जो जून महीने के अंदर हमारे 5 चैनल के अंदर बदलाव किया गया था। 5 चैनल जो नए ऐड हुए थे वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट हमारा हुआ है बिफोर यू कड़क, सेकंड हमारा संस्कार चैनल, थर्ड हमारा आस्था चैनल, और फोर्थ जो चैनल हमारा आरटी चैनल होना था, वैदिक चैनल की जगह, लेकिन हमें उसकी जगह डिस्प्ले हो रहा है साधना चैनल। जी हाँ दोस्तों, और जो 5th चैनल हमारा वंदे गुज्जर के नाम से हमारा ऐड हुआ है। यही कुछ बदलाव किया गया हमारे जून महीने के अंदर डीडी फ्री डिश के प्लेटफॉर्म के अंदर। सोचा आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा, और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।